अर्ली बट हाउ दिखने वाला है. दिस इज द प्राइमरी अपर्चर और ये एक्रोमैट है, डबलेट है. इसको सेटअप करना एक्चुअली में बहुत इजी है. तो एक एडिशन जो है कि कंपनी ने इसके साथ एक सोलार फिल्टर प्रोवाइड किया है, अल्टीट्यूड ट्रैकिंग में काम आने वाला है और ये अजूमत ट्रैकिंग में काम आने वाला है. एवरीवन, और सभी का चैनल पे स्वागत है फिर से, और लेके आया हूँ और एक टेलीस्कोप का अनबॉक्सिंग वीडियो. तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने के लिए या और ये अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने मॉडर्न टेलीस्कोप की जो शुक्ला सर है उनको रिक्वेस्ट किया था एक बजटरी टेलीस्कोप या फिर रिफ्रैक्टर में ऐसा टेलीस्कोप लेके आओ जो न्यू बिगिनर्स के लिए इजी टू यूज हो, इजी टू हैंडल हो. तो सर ने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और हमारे लिए भेज दिया है. और एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, बिगिनर्स फ्रेंडली है या फिर आप थोड़े आलसी हो मेरे जैसे टेलीस्कोप सेटअप करने के लिए, तो ये टेलीस्कोप आपके लिए होने वाला है. तो चलो फटाफट अनबॉक्सिंग करता हूँ. बॉक्स तो फाड़ लिया है बट बॉक्स के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स है, उसके अंदर और बॉक्स है. तो वो बॉक्स का अनबॉक्सिंग, दूसरे बॉक्स का अनबॉक्सिंग करने के बाद हमको कुछ चीजें मिलने वाली है तो वो मैं निकालने वाला हूँ बॉक्स के अंदर बॉक्स. और ये बॉक्स साइड करता हूँ क्योंकि टेबल पे जगह नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बॉक्स निकालता हूँ, उस बॉक्स में से शिट गिर गया. सो हमको मिला है ट्राइपॉड और ये थोड़ा सा नॉर्मल ट्राइपॉड तो नहीं लग रहा है जैसे मेरे ट्राइपॉड थे पहले वाले, थोड़ा सा डिफरेंट है. उसको ये प्लास्टिक बैग में से निकालता हूँ. ये हमारा जो आईपीस होल्डर है और ट्राइपॉड के बीच में फंस जाता है तो ट्राइपॉड को भी स्टडी, इसमें कुछ आईपीसेस वगैरह है क्या है कौन से वो बाद में बताता हूँ. देन कुछ स्क्रूज दिख रहे हैं यार, ये कुछ अलग अलग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे. स्क्रू है, नॉब है, आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली, बाद में पता करते हैं. और ये तो ब्रेसर की तरफ से आया है, मुझे पता नहीं था बॉक्स में क्या है. तो ये ब्रेसर की तरफ से आने वाला टेलीस्कोप है ब्रेसर का, और मेरे हिसाब से ये एजेड माउंट पे आने वाला है. तो ये ब्रेसर की तरफ से आने वाला एजेड माउंट वाला टेलीस्कोप है क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये. ओके, तो ट्राइपॉड, आईपीसेस, माउंट निकाल लिया. अभी हम लोग ट्यूब निकालते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है. तो हम लोग भी उसको भी निकालते हैं, उसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं. थोड़ा सा हेवी लग रहा है मुझे, ज्यादा नहीं है. आई कैन से वेट के अकॉर्डिंग 2.5 से 3 kg के आसपास का हो सकता है. ये जो बॉक्स है ये सरप्राइज है, इसको बाद में ओपन करते हैं, पहले हम लोग ये चीजें देख लेते हैं. इसको मैं रखता हूँ साइड में और ये जो ट्राइपॉड है ये क्या क्या है वो मैं आपको पहले ओपन करके बताता हूँ, इसके साथ क्या क्या मिलने वाला है आपको. सो ट्राइपॉड, इट गिव्स मी अ डिफरेंट वाइब. ये ट्राइपॉड आ गया और ट्राइपॉड के बीच में ये फंस जाता है तो मैं नहीं लगाऊंगा इसमें. यहाँ पे कुछ स्क्रूज हैं और ये कुछ डिफरेंट है. इसमें माउंट लग, माउंट का जो बेस है ये लग गया था और ये अभी मूविंग है, एक्चुअली मूविंग है, इट्स एक्चुअली मूविंग है. सो और कुछ भी रहेगा, आई थिंक ये माउंट इसके ऊपर लगने वाला है. सो दिस इज एजेड माउंट है तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ. और या सो ये देखिए आप, सो ये जो है यहाँ पे स्क्रू है एक साइड में, तो उसको मैं निकालता हूँ. ओके, सो क्लोज लुक मैं देता हूं आपको. ओके, तो ये स्क्रू निकल गया और ये जो माउंट वाला जो साइड प्लेट है यहाँ पे ये स्क्रू लगेगा और यहाँ पे आई डोंट नो मैं मतलब राइट वे, हाँ ये प्रॉपरली यहाँ पे स्नगली फिट हो जाता है अंदर, यहाँ पे प्रॉपर फिट हो जाता है. और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ये स्क्रू लगा देंगे. ये जो स्क्रू इतना बड़ा इन्होंने दे दिया है, सो अभी माउंट हो गया है मेरे हिसाब से सिक्योर. सो और एजेड माउंट है, ये मूवमेंट कर रहा है, राइट लेफ्ट घूम रहा है. और ऊपर हमको यहाँ पे हमारा जो टेलीस्कोप की जो ट्यूब अभी तक हमने ओपन नहीं की है वो स्लाइड इन होने वाली है.
तो ये हमारा माउंट अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हार्डली आई कैन से कि 5 मिनट के अंदर ये हमारा पूरा जो सेटअप है माउंट वाला रेडी हो गया। जो तकलीफ मुझे एक ही माउंट सेटअप करने में होती है और सब काउंटर वेट वगैरह लेके जाने में होती है या कैरी करने में होती है, इसने मेरा जो आधा काम बचा लिया है। अगर आप अभी बिगिनर हो, एक ही माउंट से डर लगता है, तो ये माउंट आपके लिए होने वाला है। द रीजन क्यों, क्योंकि इसके साथ आप ट्रैकिंग कर सकते हो एजेड और अल्तजुमत। तो इन्होंने ये दो छोटे छोटे कुछ आई कैन से कि ये नॉब्स ही हैं दिए हैं। तो ये नॉब एक है और अनादर है, तो ये ट्रैकिंग के लिए काम आने वाले हैं एजेड में। अब देख सकते हो दो है, तो प्लास्टिक में बाजू में रखता हूँ और इनको करता हूँ अटैच। तो माउंट के यहाँ पे साइड में एक ऊपर लगेगा, आई डोंट नो मतलब कैसे फिट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इजीली, मतलब कोई झंझट ही नहीं है इसको। जस्ट आपको स्लाइड इन करना है, यहाँ पे एक छोटा डॉट है और इसके ऊपर एक डॉट है, उनको मैच करना है एंड दैट्स इट, हो गया। एंड यू कैन से कि मैं EQ माउंट जैसे इसको ट्रैक कर सकता हूं। फिनिश्ड यार, EQ वाला झंझट ही खत्म। अभी ये एकदम इजी हो गया एजेड माउंट पे ट्रैकिंग। अभी ये जो माउंट है इसमें आपको मिलने वाला है, अभी हमारा ये जो है ट्राइपॉड और माउंट में थोड़ा सा साइड में रख देता हूं, सामने ही रख देता हूं यहाँ पे, इसको फुल ओपन करके। तो ये फुल साइज ट्राइपॉड है और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक नॉब है, ये पूरा मैं घुमा देता हूँ। ये माउंट देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो प्लेट है यहाँ पे स्लाइड इन कर दिया। ब्रेजर का ब्रांडिंग है यहाँ पे, देखो ये जो है इसको घुमाऊंगा तो ये स्क्रू, आपको आइडिया जाएगा कि ये स्क्रू धीरे धीरे घूम रहा है, ऊपर आ रहा है, जस्ट लाइक हम लोग EQ माउंट में जैसे घुमाते हैं। और ये जो है हमको एजेड का मोमेंट ट्रैक करने में काम आएगा। सो ये अल्टीट्यूड ट्रैकिंग में काम आने वाला है और ये अजूमत ट्रैकिंग में काम आने वाला है। सो यू कैन सी कि ये मूव कर रहा है जैसे मैं घुमा रहा हूँ, और जस्ट इसको स्लाइड इन करना है। ये देखिए, जस्ट इसको पुटअप करना है। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ डॉट दिखा है, जस्ट इसके अंदर डालना है, और यहाँ पे भी एक छोटा डॉट है तो उसको मैच करना है जस्ट, और दैट्स इट, खत्म। तो नेक्स्ट जो भी इसमें क्या क्या एसेसरीज मिल रही है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये प्लास्टिक है, बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हैं, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा उसके ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट करना। तो अब माउंट लग गया है, और अभी वट आर द एसेसरीज वी आर गेटिंग। फर्स्ट वी आर गेटिंग कुछ लव लेटर है, अटेंशन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मोबाइल जो होल्डर होता है वो मिला है। देन वी गॉट रेड डॉट फाइंडर स्कोप। देन यहाँ पे इसके साथ कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है, एक 10 mm का आईपीस है, केलनर में 10 mm का आईपीस जो आपको प्लैनेट रिव्यू के काम आने वाला है। और जो सेकेंड आईपीस यू आर गेटिंग केलनर में, दिस इज 20 mm आईपीस जो आपको मिलने वाला है। आई डोंट नो ये इरेक्टिंग है या नॉर्मल है, सो हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे। ये आई थिंक मोबाइल के लिए अटैचमेंट है। एंड दिस इज द 90 डिग्री डायगोनल है, तो हमको ये सब चीज़ें, इसमें से मैं डायगोनल यूज़ करने वाला हूँ और 25 mm का आईपीस यूज़ करूँगा। तो डायगोनल के ऊपर मैं फिलहाल, तो डायगोनल का क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यार। आई कैन सी कि मैं इसमें से देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वालिटी इसका बहुत। सो इसमें अभी मैं 25 mm का आईपीस फिलहाल तो लगा लेता हूँ, थोड़ा सा आगे का काम बचा लेता हूँ। इट्स टाइम टू ओपन दिस अमेजिंग प्रोडक्ट जो टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, और ये डबलेट में है मेरे हिसाब से। और फाइनली ये ट्यूब मेरे हाथ में आ गया है। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, रिफ्रैक्टर मतलब इसके आगे लेंस लगा हुआ है
और लेंस का जो साइज यहाँ पे मेंशन है 90 mm, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 इंच के बीच में है, तो काफी बड़ा अपर्चर है। एंड द फोकल लेंथ यहाँ पे मेंशन है 700 mm का है, जो मिलने वाला फोकल रेशियो है 7.8 है। सो डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए काफी अमेजिंग होने वाला है ये टेलीस्कोप। और प्लानिटरी करना है तो कंपनी हैज प्रोवाइडेड आपको यहाँ पे 3x बार्लो प्रोवाइड किया है। इससे सेटिस्फाई नहीं है तो एडिशनल आप परचेज कर सकते हो, जो अच्छी क्वालिटी के जीएसओ के वगैरह आते हैं। मुझे तो ट्यूब को करना है माउंट, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो है इसको मैं मैन्युअली शिफ्ट करूंगा। ये जो इसका पोजीशन रहेगा, ये जहाँ पे हम लोग टेलीस्कोप का ये जो डाउटेल है इसको अटकाएंगे, ये डाउटेल जो है ये दिख रहा है आपको, सो दिस इज डाउटेल, यहाँ पे फंसने वाला है। तो मैं हमेशा जब भी एजेड या कोई टेलीस्कोप लगाता हूँ तो उसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ, सो दैट कि वो गिरने के चांसेस नहीं है। और अभी हम लोग कर रहे हैं इसको सिक्योर, तो ये अभी वन साइड झुक रहा है, तो मैं फिलहाल इसको उल्टा करके इस पोजीशन में लगा देता हूँ, सो सो दैट कि फिलहाल मैंने कर लिया इसको सिक्योर। और इसको अभी यहाँ पे रख देता हूँ, अभी इसके ऊपर मैं बाकी का जो चीज है वो लगाने वाला हूँ फटाफट। तो डायगोनल यहाँ पे है, सो डायगोनल इसके पीछे लगा दिया। फिलहाल मैंने 25 mm का आईपीस लगाया, डायगोनल लगा दिया हमने। अभी इट्स टाइम टू सेटअप अवर, ये जो दिख रहा है लोग इसको बोलते हैं रेड डॉट फाइंडर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइंडरस्कोप टेलीस्कोप में। अगर फाइंडरस्कोप आपका अलाइन नहीं है देन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो कैसे अलाइनमेंट करते हैं बाद में बताता हूँ, अभी मैंने ये ऊपर से निकाल के इसको नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि टेलीस्कोप का जो हेड है वो साइड में फेसिंग है। सो जस्ट अभी हमारा टेलीस्कोप ऑपरेशन के लिए मैं इसको रेडी करता हूँ फटाफट। ये आगे झुक रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है, तो बैलेंसिंग करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, पूरा टेलीस्कोप इसको नहीं हिलाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो छोटा ये दिया है, एक रिंग है प्लास्टिक का, ये पूरा वेट आगे जा रहा है, तो मैं अभी इसको पीछे शिफ्ट करूंगा टेलीस्कोप को। नाउ यू कैन सी कि अभी ये काफी स्टेबल हो गया है, कैन सी पीछे पहले वो आगे झुक रहा था, थोड़ा सा मैं और आगे कर देता हूँ सो दैट आई कैन, मुझे अप्रोक्सीमेटली सो अभी ये आगे झुक रहा है यू कैन सी, बट अभी इसको मैं थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ, थोड़ा अभी अकेला हूँ इसीलिए। तो अभी ये हो गया काफी स्टेबल, अभी ये स्क्रू को मैं फिर से टाइट कर लूंगा। इसको सेटअप करना एक्चुअली में बहुत इजी है, और यहाँ पे मैं थोड़े से क्लोज में आपको दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो सिल्वर चीजें हैं, दीज आर द फोकसिंग नॉब्स। और इसको हम लोग दूर करेंगे तो हम जो भी ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप में से देखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर करके देखने के लिए ये जो रेकन पीनियन का जो नॉब है या फिर ये दो सिल्वर रिंग्स है वो हमारे काम आएंगे, ये जो दो बटन्स हैं। तो एक एडिशन जो है कि कंपनी ने इसके साथ एक सोलार फिल्टर प्रोवाइड किया है, 1000 ओक का सोलार फिल्टर है। इसका जो प्राइमरी अपर्चर है इसके ऊपर एकदम प्रॉपर बैठने वाला है, अगर सन ऑब्जर्वेशन करना है, सन स्पॉट्स वगैरह देखने हैं आपको, तो आप इस सोलार फिल्टर का यूज करिए। ये आपको पैकेज में ही मिलने वाला है, आपको एडिशनली बाई करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बाइंग दिस टेलीस्कोप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भी मैं तो क्या कर रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल से फोटोग्राफी वगैरह करना है, मून वगैरह शूट करना है, तो कंपनी ने यहाँ पे हमको दिया है एक मोबाइल होल्डर एंड आईपीस भी प्रोवाइड किया है। सो आईपीस और मोबाइल होल्डर कैसे यूज करना है, सो अभी ये जो है मोबाइल होल्डर, इसका जो स्क्रू है उसको अनस्क्रू करना है और ये रीजन फ्री कर देना है। ओके सो ये मैंने फ्री कर दिया और अभी इसके ऊपर मैंने आईपीस इसके अंदर प्रॉपर बैठ गया। सो एक अप्रॉक्सीमेटली पोजिशनिंग आप देख लो कि कैसे कितने हाइट पे आना चाहिए। सो मैं इसको अभी अप्रॉक्सीमेटली हाइट पे रखा हूँ ऐसे, और इसके ऊपर अभी मैं सक्शन, ये सक्शन वाला है। सो मेरा एक मोबाइल है, तो इसका जो मेन कैमरा रहेगा और ये जो आईपीस है, तो इन दोनों का मुझे मैचिंग करना है, जस्ट लाइक ये मैं रख रहा हूँ, तो दिस इज द मैच। और
इसके साथ इन्होंने ये जो रबर प्रोवाइड किया है। सो ये अभी मेरा जो व्यूविंग रहेगा जो टेलीस्कोप में से हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। सो ये परफेक्ट थोड़ा सा अलाइन करना है आपको, सो यू विल गेट बेटर एक्सपीरियंस। सो अभी मेरा मोबाइल और आईपीस, अभी अगर सपोज कर लो मुझे कुछ शूट करना है सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा एंड आई विल शूट व्हाट आई वांट। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे टेलीस्कोप के ऊपर मैंने मोबाइल यहाँ पे लगा दिया, सो मोबाइल का वेट पीछे ज़्यादा आ गया, तो मैं थोड़ा सा ट्यूब को आगे सरका दूंगा, देन अभी ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गया। सो तो ये टेलीस्कोप में बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन से। और अभी मैं यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, मोबाइल में जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, सो थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो यू विल क्लियरली सी कि यहाँ का जो वीडियो है मैं आपको बाद में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्टमेंट करता हूँ। सो सामने कुछ पेड़ वेड़ है तो उसके ऊपर कुछ फूल पत्तियाँ लगी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाजू में बिल्डिंग है, सो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ और यहाँ पे स्मूथली ट्रैकिंग करने का भी ऑप्शन है, सो आई कैन ट्रैक इट स्मूथली ऑल्सो। सो मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे कैन सी, और ये फोकसिंग नॉब है, इससे हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस कर सकते हैं। सो यू कैन सी द क्रैक्स ऑन द बिल्डिंग ऑल्सो, उसके ऊपर जो क्रैक्स है वो भी देख सकते हैं। सो यही जो स्क्रीन पे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ अभी आपको, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर ये जो रेड डॉट फाइंडर स्कोप आता है तो इसका उपयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सपोज कर लो टेलीस्कोप आप हमेशा डे टाइम में यूज़ करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप सपोज कर लो कि बिगिनर हो या आपने टेलीस्कोप पहले यूज़ नहीं किया है तो रेड डॉट फाइंडर या फाइंडर स्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक टेलीस्कोप में। तो ये टेलीस्कोप में भी फाइंडर स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइंडर स्कोप ये रेड डॉट फाइंडर स्कोप इसके ऊपर है, तो इसके आगे ऑन ऑफ बटन आता है, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसके आगे जो है ऑन ऑफ बटन है, ये फ्रेश पीस है तो मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर बैटरी ये कवर लगा है थोड़ा सा, तो अब जब यूज़ करने जाओगे तो इसको निकालना है एंड देन यू कैन यूज़। और इसके बाद जब यहाँ पे रेड लाइट जलती है, यहाँ पे अंदर रेड लाइट जलेगी और ये जो स्क्रीन है सामने इसके बीच में आपको रेड लाइट दिखने वाली, तो यहाँ पे एक छोटा नॉब है, ये नॉब घुमा के वो रेड लाइट आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हो, और पीछे जो है उसका यूज़ करके इसको लेके ऊपर नीचे अप एंड डाउन आप ये रेड लाइट खिला सकते हो। तो जब टेलीस्कोप के ऊपर ये सेट होगा तो टेलीस्कोप में पहले आपको 100 मीटर की दूर पे कोई लाइट है वो सोर्स आपको आईपीस में दिखना चाहिए, और वही सोर्स फिर आपको रेड डॉट जो आपका चालू होगा तो अप एंड डाउन एंड राइट लेफ्ट या हॉरिजॉन्टल ऐसे मूवमेंट करके आपको यहाँ पे सेंटर करना है। जस्ट लाइक मैं यहाँ से देखूंगा लेफ्ट आई से मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा या फिर वो लाइट, और राइट आई से मुझे वो रेड डॉट में एडजस्टमेंट करना है। सो लाइक दिस आपको करना है, तो इसके बाद आपका टेलीस्कोप हो जाएगा रेड डॉट के साथ अलाइन। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेड डॉट या फाइंडर स्कोप अलाइनमेंट होता है। देन क्या होता है कि टेलीस्कोप जूम करता है काफी सारी चीजें, तो वो जूम होने के बाद फिर आप जब रेड लाइट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाओगे तो डेफिनेटली आपको वही चीज आपको आपके आईपीस में दिखने वाली है। सो दिस इज द आईपीस, मैं अभी ये हटा देता हूँ और आपको लाइव व्यू देता हूँ सामने का। सो मोबाइल हटा दिया, अभी बैक कैमरा ऑन करके मैं चेक दिखा देता हूँ प्रॉपरली बट दिखने वाला है या फिर हमको क्या डिटेलिंग देखने मिल सकता है। सो मेरा हाथ थोड़ा मूविंग है बट इसके साथ जो हैंड शेक की वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इसके साथ जो अटैचमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उसका यूज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे कुछ प्लैनेट शूट करना या फिर सन वगैरह शूट करना होगा, मून शूट करना होगा तो, और है तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है। सो सो दिस इज द प्राइमरी अपर्चर और ये एक्रोमैट है, डबलेट है।
दोस्तों कैसे लगा आपको ये टेलीस्कोप? इजी टू यूज है ना? अगर आपको ये इजी टू यूज लगता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी आपका एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इक्यू टेलीस्कोप यूज करे, एजेड भी यूज किया है, लेकिन एजेड में ट्रैकिंग वाला माउंट फर्स्ट टाइम मिला और काफी बजट में मिल रहा है, क्योंकि इट कॉस्ट यू अराउंड 24,700 के कॉस्ट में आपको ट्यूब और माउंट सब मिलने वाला है, ट्राईपॉड वाईपॉड सब पूरा पैकेज। और ये बिगिनर फ्रेंडली टेलीस्कोप है और मैं भी प्लानिंग में हूँ कि एक रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप परचेज करने का, और ये एक्रोमैट है, डबलेट है, तो काफ़ी कम फ्रिंजिंग आपको मिलने वाला है और इसके साथ काफ़ी सारी एसेसरीज मिल रही है, सोलर फिल्टर मिल रहा है। ओनली थिंग इज कि आपको इसमें एक ही चीज़ करना है, टेलीस्कोप का जो ट्यूब है उसको आपको अगर कोई एडिशनल एसेसरीज लगाते हो या टेलीस्कोप आप हॉरिजॉन्टली माउंट करने के बाद टेलीस्कोप के ट्यूब का आपको हमेशा जो लेवलिंग करना होगा, लेवल मतलब उसका वेट बैलेंसिंग करना होगा। जो फ्रेंड्स ये वीडियो और ये टेलीस्कोप अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एडिशनल डिस्काउंट के लिए मैं अपना जो कूपन कोड आपको दे दूंगा, लेकिन वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टा पे, इंस्टा पे आप मुझे DM कर लो और फॉलो कर लो तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ, जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रोडक्ट हमारा होगा, आई डोंट नो बायनोकुलर होगा या टेलीस्कोप होगा, तो उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टार गेजिंग, बाय बाय।